या राधे राधे, ये हम काला जी की पोशाक बना रही हैं, लेकिन सात रंगों की बनाई हुई है। ये हमने ये चोली बनाई है और ये सात रंग हमने लगा रखी हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, हम सात रंगों से ही इसकी ये पोशाक बनाएंगे। ये हमारे पास इसकी ऊन है, ये सात बोले हैं, इन्हीं सातों को मिला करके हम बनाएंगे। ये हमने गोटी चोली जो है इसकी हमने ये पहले बना दी है ऊपर की, उसमें चोली में हमने यहाँ सबसे ऊपर ये है 5 इंच 5 नंबर की है, 3 4 5 नंबर की, यहाँ सबसे ऊपर हमने 15 फंदे डाल दिए हैं इसमें। तो ये सिंगल चेन करेंगे, ये हर छेद में तो डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ हमने इसमें ये 5 करेंगे फंदे, तो ये 8 9 फंदे की हमने बाजू बनाई है, 10 फंदे ये 9 फंदे तो ये 5 फंदे, इस तरह ये हमने इसकी चोली तैयार कर दी है। अब हम इसमें बनाएंगे, हम यहाँ से करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 चैन करें, फिर 3, फिर पहले 2 चैन करें क्रोशिया, फिर 3 चैन लें, यहाँ 1 2 3 फंदे छोड़ें, यहाँ 2 2 चैन 2 क्रोशिया करें, फिर 3 चैन लें, 1 2 3, फिर 3 चैन छोड़ के 1 2 3 यहाँ करें, डबल क्रोशिया करें, एक दो तीन, ये 7 हो गए हैं हमारे। अब हम जो है ये डिजाइन डालेंगे, डिजाइन पहले यहाँ इसमें 2 चैन लें, इस तरह ये हमने चारों तरफ बना लिए जाली, यहाँ इसके अंदर ले, अब ये 1 फंदा लेना है, इसके अंदर करना है, ये हमने इसमें ये एक एक छेद में 3 3 3 बार कर रखा है,
तीन बार करें, एक दो तीन, तीन करके फिर तीनों को एक साथ बंद करें, फिर एक बार और दो बार और करना है, एक दो तीन, ये बंद करें, फिर एक बार और करें, एक दो तीन, इसमें एक चैन लें, अब यहाँ हम दूसरी ऊन लगाएंगे। जैसे ये हमने करी है, और यहाँ ये हमने दूसरी ऊन लगा रखी है, तीन जैसे ये हमने तीन बार करी है, ऐसे ही तीन बार करें, एक तीन, अभी दूसरी दूसरा ऊन, दूसरी ऊन लगाए, ये नीली 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 वाली लगाएं,
ये भी नीली वाली लगानी है, साथ में गुला है। इसमें ना एक एक करके 7 गोले लगानी है इसमें। ये बनाइए हमारे, ये बन बन गया है। ये 7 रंग हमारे आ गए हैं इसमें। अभी ये हम इसे, यहाँ हमने इसमें ये जो ये 3 बनाए थे, 1 2 3, अब यहाँ जो ये शुरू का है इसमें 1 के अंदर 2 बार करना है। तो ये हमारे 1 2 3 4 हो जाएंगे। भी इसे यहाँ ले लें, इस तरह उन्हें इसको यहाँ से यहाँ लेनी पड़ेगी और फिर इसके अंदर एक चाबू करें, एक चैन लें। ये 3 है, 3 के अंदर इसमें शुरू में 1 के अंदर 2 बार करनी है, 2 3। ये बंद हो, एक हो गया। ये जो हमारे ये 3 है, 3 के 4 का बनानी है, 1 2 3। इन्हें एक साथ बंद कर दें। ये हमारा जो हो गया है, इसी तरह जैसी जैसी हमने ऊन लगा रखी है इसी तरह ये तरह ये बनाते बनाए। जैसे ये हमने ये 3 करी हैं, जो 4 होंगे फिर 5 होंगे, जिस तरह ये हमने ऊन लगाई है इसी तरह ऊन लगाते जाए। ये हमने कितना बार बना लिया है इसे, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन कर ली हमने। इस तरह करना है। ये जो ये हमने ऊन यहाँ से यहाँ पर छोड़ी थी, इसे इस तरह ले यहाँ तक की लंबाई से कर लें। अभी से इस तरह ये ऊन ले ली कर ली है हमने। अब यहाँ से
इसे करें दो, एक दो तीन चार, चार बार करें, ये हमारी लाल वाली ऊन खत्म हो गई है। हम इसे कैंची से काटें। ये वाली ऊन करनी है। अब इस वाली ऊन को यहाँ से यहाँ ले जाएं। इसका ये फासला देख लें, ये बराबर का हो, खिंचाव नहीं होना चाहिए इसमें। अभी एक चावल और करें चैन। अभी से यहाँ तीन बार करें, तीन बार नहीं चार बार करें, दो तीन चार, इन्हें एक साथ बंद कर दें। फिर एक बार और करें, एक दो तीन चार, फिर एक साथ बंद कर दें। हर क्षेत्र में करना है इस तरह, एक दो दो तीन चार, इन्हें एक साथ बंद करें। फिर ये जो धागा है, ये ऊन, ये भी इसके साथ साथ लेनी है। ये हमारे पिचिन कहीं आ रही है, ये इसके साथ साथ ही बुना है इसे भी। अब ये वाली ऊन भी काट दें। अब ये वाली ऊन लगाएं। इस ऊन को भी यहां तक बराबर के ले लें, इतने खिंचाव नहीं होने चाहिए। यहाँ पूरी चैन ढीला रखें इसे। दो तीन चार,
ये चारों को एक साथ बंद कर दें। ये शुरू में 2 बार करना है, बाकी सब में एक एक बार करना है। जैसे यहाँ हमने 3 करे थे, फिर 4, फिर 5, फिर 7, 7 के बाद फिर ये बढ़ा है, यहाँ ये इसमें बढ़ाते गए हैं और इस यहाँ एक एक करते गए हैं। ये हमारा ये पूरा हो गया है। अगर आप इसमें और बढ़ाना चाहती हैं तो और बढ़ा सकती हैं। ये हमारा पोशाक बन गई है। अब हम जो है इस वाली ऊन से करेंगे। यहाँ जो ये हमने इस करा है ये ऊपर तरह करेंगे। दो चैन लें, यहाँ वही एक एक बार एक एक छेद में 4 बार करना है। 3, 2, 3, 4, चारों को एक साथ बंद कर दें। अब यहाँ हमें डबल नहीं करना है, हमें एक एक बार करना है, क्योंकि हम इसे बंद करेंगे। 1, 2, 3, 4। ये
ये चार करने के, इसमें तीन चैन लें, यहाँ इसमें बुन कर लेना है, इस तरह लें, ये तीनों को एक साथ बंद कर दें, ये तीन चैन लें, एक तीन, ये इस वाली में बंद लेके बंद करें, दो तीन चैन लें, यहाँ इसमें लें, एक दो तीन, बीच से नीचे वाली चैन में लें, तीनों को एक साथ बंद कर दें, एक दो तीन, बीच से नीचे वाली में लें, ये हमने यहाँ ये हो गई है हमारी। अभी इसे दो चैन तीन चैन ले, अभी इसे घुमा के फिर इसी के ऊपर से करना है, एक दो, यहाँ इसके बराबर से ले लें, तीन चैन लेके फिर इसके यहाँ इसके बराबर से लें, तीनों को एक साथ बंद कर दें, फिर तीन चैन लें, यहाँ इसके बराबर से लें, दूसरे बारे में जैसे ये हमने पहले करा है इसी तरह ही लेते करते जाएं, और तीन चैन लेकर के इसे बंद करते जाएं। अब दो चैन तीन चैन लेनी है, दो देखिए, हाँ जैसे ये हमने ये वाला करा है इसी तरह यहाँ ये चारों तरफ करना है, दो तीन चार, यहाँ ले, इस तरह
ये यहाँ जाए पड़ जाएगा और इस तरह ये चारों तरफ इसी तरह करते जाने।
ये हमारा पूरा हो गया है। अब ये हम इसे एक जैन लें, आप इसे यहाँ पे बंद कर दें। इसे ऊन जो है इसे उल्टी तरफ ले जाके ये हमारे काला जी की पोशाक जो बन गई है। अब हम जो है यहाँ इसमें बॉडी में लगाएंगे ये वाली ऊन लगाएंगे, क्योंकि ये सतरंग की ऊन है। ये वाली जो ऊन है यहाँ इसको लगा रही है। मैं हर छेद में एक बार करना है, तीनों एक साथ फंदे निकालने हैं।
ये हम बाजू कर रहे हैं, बाजू हमारी हो गई है। इसे उनको अंदर ले जाएं, अंदर ले जाके इसे यहाँ बांध दें धागे से, उन दूसरी ऊन से। अब ये हमारी पोशाक तैयार हो गई है।